सतना जिले के ग्राम पंचायत चोरमारी में विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण दो मवेशियों की जान चली गई और दो महिलाएं बाल बाल बची। सूचना देने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी लाइट नहीं बंद करा पाए। लाइट चालू होने के कारण ग्रामीणों में आक्रोश की लहर देखने को मिल रही है। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए सतना से हमारे संवाददाता पुष्पराज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। इतनी बड़ी लापरवाही पुष्पराज, कैसे? और प्रशासन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है? मैडम, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन इस पर किसी प्रकार की ध्यान नहीं दे रहा है जी। दो वर्ष पूर्व में भी ग्राम पंचायत चोरमारी में एक हादसा हुआ था जिसमें एक माँ और बेटे की जान चली गई थी जी। इसके बाद भी मैडम सतना जिले की विद्युत व्यवस्था इतनी बेकार है जी कि वहाँ के जो ग्रामीण है चोरमारी गाँव के जी, कई बार वहाँ विभाग में अपनी कंप्लेन दर्ज कराए हैं कि हमारे यहाँ की विद्युत व्यवस्था सुधारी जाए जी, लेकिन जी, कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहा है जी। एक नहीं अनेकों ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं ग्राम पंचायत चोरमारी के अंदर कि विद्युत विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही देखने को सामने आ रही है कि ग्रामीण वहां परेशान है मैडम जी। जी, बार बार इनको बताया जाता है तार टूटा हुआ है, बिजली विभाग को बार बार सचेत किया जाता है, लेकिन लापरवाह जिम्मेदार कोई सुध नहीं लेते हैं। ऐसे में इनकी जान चली जाती है तो जिम्मेदार कौन होगा? पुष्पराज, इनका क्या रवैया है? आज मैंने एक वहां के जो जी वो एक लाइनमैन थे उन्होंने उनसे बात करने का प्रयास किया तो लाइनमैन साहब बोलते हैं कि हमारे यहाँ क्या है कि कोविड के कारण वहाँ की जनप्रतिनिधि क्या कर रही है? पुष्पराज, वहाँ की जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? मुखिया क्या कर रहे हैं? विधायक क्या कर रहे हैं? इस पर सुध क्यों नहीं ले रहे वो लोग? क्या कोई और घटना का इंतजार कर रहे हैं तब सुध लेंगे? मैडम, जनप्रतिनिधियों को भी कई बार सूचना दी गई लेकिन जनप्रतिनिधियों का भी ध्यान इधर नहीं आ रहा है। जब तक बड़ा कोई हादसा नहीं होगा तो जनप्रतिनिधियों का भी कोई ध्यान नहीं दिया जनता जाता। के द्वारा जनता के लिए चुने जाने वाले जनता के प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं, शायद वो किसी बड़े हादसे का इंतजार करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वायर यानी तार ऐसे बिछा हुआ है, टूटा जा रहा है, ग्रामीण उस पर चलकर आते हैं, करंट के चपेट में आ जाते हैं, मौत हादसों का शिकार हो जाते हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन और जिम्मेदार बेसुध हैं, सोए हुए, शायद किसी बड़े घटने का इंतजार कर रहे हैं। ये जनता के सेवा के लिए उपस्थित होते हैं लेकिन इस तरीके से सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल है। पुष्पराज जी, मैम, जी 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 मैम, मैं आज वहाँ जो हमारे घटना स्थल पे एक लाइनमैन उपस्थित थे, मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि ये जो हरिजन बस्ती है, हरिजन बस्ती के लोग बिजली का बिल नहीं जमा कर रहे हैं इसलिए ऐसी ये घटना हुई है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि क्या कोई बिजली का बिल नहीं जमा करेगा तो ये बिजली विभाग के कर्मचारी तार तोड़ के किसी के जमीन में बिछा देंगे, मौत का इंतजार करेंगे? बहुत बढ़िया, ग्रामीण अगर बिजली का बिल जमा नहीं करते हैं तो बिजली विभाग के लोग तार निकाल देते हैं और उनके मौत का इंतजार करते हैं कि वो लोग इनके चपेट में आए और मौत का शिकार हो जाए। ऐसे है जिम्मेदारों की रवैया। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पराज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।